हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। ये देखिए मेरी रिद्धि रानी सो के उठ चुकी है और बाहर जाने के लिए जिद कर रही है छत पे। रिद्धि गिरेगी नहीं, तुम छत पे जो जा रही है सुत उठ के। रिद्धि सो के उठ चुकी है और सिद्धि अभी सो रही है, क्योंकि सिद्धि रात में भी लेट से सोई थी, रिद्धि जल्दी सो गई थी। कहाँ जा रही है बेटा? रिद्धु यहाँ पे चादर डाली है माँ, उसी में आके उलझ उलझ के खेलना चाह रही है। किचन का काम स्टार्ट हो गया है, 8:30 बजने भी वाला है। तो ये एक भुजिया ऐसे ही गाजर पत्ता गोभी फूल गोभी बीन्स प्याज सब दे के भूज दे रहे हैं। उसके बाद ये मेथी पत्ता माँ चुन के दी, इसका बनाते हैं सब्जी। अभी पकौड़ी जैसा बना बना के उसी का घुमा फिरा के कढ़ाई में मचका बनाएंगे और उसी में झोर लगाएंगे, तो ये बनाएंगे। फिर रोटी बनेगा ऐसे, इसमें थोड़ा सा नमक हल्दी थोड़ा बेसन दिए हैं, थोड़ा एक चुटकी चावल काटा देंगे और फिर इसको सान के इसका पकौड़ी जैसा बना बना के इसमें ग्रेवी लगाएंगे। ये देखिए सब्जी बनने लगा, तैयार हो चुका है। ये पकौड़ी इसका बना के रख लिए हैं, ये वाला थोड़ा जल भी गया है मतलब लास्ट में, तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं सब्जी, क्योंकि हो सकता है आज हम थोड़ा अगर 11 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो गया तो मंदिर जाने का सोचे हैं दीदी सीधी को लेके, क्योंकि आज मेरा मैरिज एनिवर्सरी है। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, कम से कम दोनों बच्चों को लेके मंदिर जाने का सोचे हैं। अब हो पाएगा जैसा समय देखते हैं, क्योंकि खाना तो जल्दी बन जाएगा, तो नहा के देखते हैं अभी करते हैं। अभी हम फटाफट से रोटी बना लेते हैं, क्योंकि मंदिर जाने का भी प्रोग्राम हो गया है, तो और बच्चों को भी खाना भी नहीं खिलाए हैं, लोगों को खिलाना तैयार कराना ये सब बहुत काम है, अभी बहुत ज़्यादा ही है। क्योंकि हम थोड़ा कुछ खाने में भी स्पेशल शाम में सोचे हैं, इमली दिए हैं फूल ने, चटनी बनाएंगे इमली का और चाट बनाने का सोचे हैं, मोमोज सोचे हैं। अब देखते हैं क्या क्या हो पाता है। थोड़ा मटर भी भींगने रात में दे दिए थे, तो मन तो बहुत कुछ बना लिए हैं, पर देखते हैं क्या क्या हो पाता है। देखिए मेरा ग्रेवी तैयार हो गया है, इसमें प्याज लहसुन अदरक ये टमाटर पीला सरसों इन सब चीज़ों को भूज के उसमें झोर लगाए, उसमें पकौड़ी डालते जाएंगे और एक दो बार उबाल आएगा तो फिर ऑफ कर देंगे। गैस वस्तु क्लीन कर लिए हैं, सिद्धू को खिला भी दिए हैं, खिला के उसको बिस्तर पे डाले हैं, मतलब सोएगी तो सोएगी, नहीं तो जगह रहेगी, सब्जी भी बन गया अच्छा मेरा बना है सब्जी, सोएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं क्या सो ही जाएगी, वो खाना खाने के बाद सोती है। उसके बाद फिर अभी जा रहे हैं, थोड़ा सा बर्तन है धो के हम भी नहा के आ जाएंगे, क्योंकि 10:30 होने मतलब 9:30 बजने वाला है। ये देखिए मेरा बर्थडे गिफ्ट मिल भी गया मेरे को, मतलब दीदी के पापा के लिए सॉक्स रेमंड का और ये स्वीट्स कुछ, इसमें से कुछ खा भी लिए हैं ये दीदी के पापा, और ये चूड़ी बिंदी सिंदूर और बिंदी ये उनको रिया की मम्मी थी मेरे बगल में जो रहती हैं, वो लेके आई थी सुबह सुबह मीठा के साथ। मेरा तो माथा इतना ये मतलब बच्चों के इसमें जल्दी जल्दी काम में रहते हैं, ऊपर से मंदिर जाने का प्लान कर लिया है, तो फिर हम पूछने लगे कि दीदा जा करने गए थे क्या, जो चूड़ी बिंदी ये सब लेके आ गए बोलिए अरे हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं। अच्छा सिद्धू रानी उधर कहाँ जा रही है अकेले? रिद्धि पूर्णिमा के घर गई है, हम भी नहा के आ चुके हैं, अब इन लोगों को तैयार कराएंगे, अपने भी तैयार होंगे। खेलो कपड़ा निकाल के रखे हैं इन लोगों का, ये वाला सोच रहे रिद्धि को पहना दें और ये भी सिद्धि को, अभी देख रहे हैं। खाई नहीं है रिद्धि, सो गई है जाके पुन्नी के घर, उसको फ़ोन किए कि लेके आओ, अगर खा लेती है तो खिला के ले जाएंगे, नहीं तो किच-किच करेगी ये लोग। इसके पापा भी हो सकता है नहीं जाएं, हम और पूर्णिमा ही जाएंगे, क्योंकि इनको जाना है अपना काम पे। सिद्धू
और हम अपने लिए ये सूट निकाले हैं, ये भी नया ही है, कभी पहने नहीं, आज पहली बार पहनेंगे। ये हमको मैके से मिला था जब रिद्धि सिद्धि को लेके हम पहली बार गए थे, तो ये सूट मिला था, तो बनवा के रखे थे लेकिन अभी तक पहने नहीं थे, तो आज इसको पहनते हैं। अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं। अभी सिद्धू को देखिए, सिद्धि पापा को दिखाई, पापा को दिखाई सिद्धि, हम लोग सब पिंक पिंक पहन रहे हैं ना बेटा, देखिए सिद्धि को इतना सुंदर कपड़ा पहनी है सिद्धू रानी, वाह मम्मा जैसा पहनी है सिद्धि भी। देखिए सिद्धि का ड्रेस, ये देखिए सिद्धू रानी, अभी इसका कंघी वंगी करेंगे, बाल बनाएंगे, सब कुछ तैयार करते हैं इसको। ये देखिए हम लोग घर से निकल चुके हैं अब मंदिर जाने के लिए, माँ और देख रही छत से, दीदी सिद्धि भी तैयार हो गई है। जल्दी जल्दी घर से निकलना बहुत ये हो जाता है, बच्चों को तैयार कराना। अब आ गए मंदिर, ये मंदिर हम लोग की कॉलोनी में ही है लेकिन घर से थोड़ा दूर है, इसलिए मतलब जाने में वॉकिंग डिस्टेंस है, बहुत नज़दीक भी नहीं बहुत दूर भी नहीं। अभी हम लोग पूजा कर लेंगे, बहुत सुंदर बना दिया मंदिर को, पूरा गार्डन उडन पार्क जैसा, सीढ़ी उड़ी सब कुछ अच्छा सा बना दिया है। सिद्धि का गाड़ी भी अंदर आ ही जाएगा सीढ़ी से, मतलब ढाल वाला भी बनाया है रास्ता, देख रहे हैं आराम से उतर जाएगी महारानी जी। ये देखिए रिद्धि गोदी में ही रह रही है, ये अभी सो के ही उठी है ना, इसलिए ये चलना नहीं चाह रही है। सिद्धि तो चल चल के आ रही है पूरा। नहीं चलना चाह रही अभी, ये कुछ देर रहेगी गोद में। ये देखिए यहाँ पे छोटा छोटा गेंदा वेंदा फूल का घास भी लगाया हुआ है, बहुत सुंदर बना दिया है ये मंदिर को। हम तो बहुत दिन बाद आए हैं यहाँ, यहाँ पहले दुर्गा जी का था खाली, अभी शंकर भगवान का, मतलब पिछले 5-6 साल से हमको लगता है बनने हुए हो गया, शंकर भगवान का, राधा कृष्ण, ये देखिए शिव जी का, यहाँ पे हनुमान जी का है बजरंगबली, फिर प्रणाम करो बेटा, यहाँ पे राधा कृष्ण जी का है, ये और ये राम दरबार है, सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, प्रणाम करते जाओ बेटा सब जगह। सिद्धू सिद्धि को भी प्रणाम करा दीजिए, उसको भी लाइए, तो चलने में बिजी हो गई है। यहाँ साईं बाबा का भी है इस तरफ एक लाइन से, साईं बाबा का भी बनाया है मंदिर। रिद्धि को थोड़ा देर में एक्टिव होगी, गोदी से उतरेगी ये, ये दुर्गा जी का है, पहले ये ही था खाली, अभी ये सब उधर वाला बना है, ये यहाँ पे 9 अलग अलग ये है, 9 रूप में दुर्गा जी का अलग अलग पिंडी बना हुआ है, नव दुर्गा मंदिर नाम ही है इस मंदिर का, 9 रूप में अलग अलग इनका ये है। सिद्धि को देखिए घंटी बजाएगी लगता है, और भी लोग पूजा कर रहे हैं। देखिए दोनों को, रिद्धि सिद्धि को, दोनों साथ में खड़ी हुई है फोटो खिंचाने, बस ये तो बदमाशी ही करना शुरू कर देती है हर जगह।
रिद्धि, ये छठ घाट बनाया है। यहाँ पे सीढ़ी भी दिया हुआ है, छठ में यहाँ के आसपास की लेडीज लोग करती है, उसी पे बैठा के हम सिद्धि को सॉक्स पहना रहे हैं। धूप भी अच्छा हुआ है, ठंडा बिल्कुल नहीं रहे, बहुत अच्छा लग रहा है धूप में। अभी सिद्धि को सॉक्स पहना देंगे क्योंकि घास पे चलेगी खेलेगी, थोड़ा देंगे इन लोगों को घास पे भी खेलने। एक बॉल भी इन लोगों को यहाँ मिल गया, पड़ा हुआ था घास पे, किसी बच्चे का छूट टूट गया होगा शामों में। देख रहे हैं कितना मजा आ रहा है इसको, कितना सुंदर है, पार्क जैसा एकदम लगता है। घास भी बहुत सुंदर हरा हरा एकदम हुआ है। रिद्धि को देखिए बॉल से खेलने लगी है, बहुत अच्छा इन लोगों को लग रहा है। घर से बाहर धूप में और थोड़ा मतलब खेल रही है, बॉल भी मिल गया ना तो, और इन लोगों को एक खेल का भी मिल गया। ये अब रिद्धि को भी अच्छा लगने लगा घास पे इस पे खेलने में। देखिए उसका बॉल चला गया उधर, लेके आई अपना बॉल। इन लोगों को भी आज नया ड्रेस पहनाए हैं, दोनों का न्यू ही है। देख रहे हैं कितना खेल रही है रिद्धि। अब इन लोगों को पार्क ले जाया जा सकता है क्योंकि देख रहे हैं मस्ती कर रही है, थोड़ा खेल उल रही है। रिद्धि तो पूरा घूम रही है। अब हम लोग घर चलते हैं, हो गया इतना घुमा, वो इन लोगों को भी करा दिए, खेल कूद कर ली। क्योंकि घर जाएंगे फिर रिद्धि खाना भी नहीं खाई, इसको खिलाना होगा, ये उठ के ऐसे ही आ गए थे। अभी अब हम लोग घर जा रहे हैं, आगे चल के सिद्धि को भी बैठा देंगे इसमें, पहले गाड़ी निकाल तो ले इधर से, इस छोटे से गेट से। तो हम लोग घर जा रहे हैं, घर आ गए घर, और दीदी से आके कुछ कुछ खा रही है, रोटी दी दादी इन लोगों को, सिद्धि भी बैठी है और इसके पापा भी आते साथ नाश्ता करने बैठे हैं। हम भी जा रहे नाश्ता करेंगे क्योंकि खाना नहीं खाए थे। आप लोग ये देखो रिद्धि, अगर शाम में कुछ हम स्पेशल किए तो फिर वो कल का वीडियो में ऐड कर देंगे। आज के अपने ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप करते हैं, तब तक आप लोग रिद्धि सिद्धि ब्यूटीफुल को प्यार देते रहिएगा, इन लोगों के वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। बाय बाय कर दो तो बेटा सिद्धू, सिद्धि बाय बाय कर, बाय 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 बाय, थैंक यू।